शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब थाम ले ये मेरा सोने जैसा हाथ। ये तो साला फोकल निकला। आओ मेरे चुनु मुनु, आओ। और करो जलवा, हराम खोरो तेरी तक ये ले। तो हरामी के पिल्लो, कुत्तों की दुमो, बोलो तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए। आजा। ये देखा कितना पानी है मेरे पास पिलाने को, और पिएगा? नहीं। अरे चले शीतलपुरी के खून के इल्जाम में साहब, यकीन नहीं आता इतना बड़ा म्यूजिक कंपोजर और खून के इल्जाम में गिरफ्तार। अजीब बात है, ऐसा कैसे हो गया? आज विश्वविख्यात म्यूजिक कंपोजर रजत वर्मा को पूना में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप है कि वे अपने शो की मुख्य अभिनेत्री शीतलपुरी को गोली मारकर अमेरिका से चुपचाप हिंदुस्तान वापस भाग आए थे। इंस्पेक्टर साहब सुनिए, इंस्पेक्टर साहब, मैं इनकी पत्नी हूँ मुक्ता वर्मा, मुझे इनसे जरा बात करने दीजिए प्लीज। रजत, मेरे बार बार कहने के बावजूद तुमने अपनी जबान नहीं खोली, और जानते हो आज तो मुझे तुम्हारे खिलाफ गवाही देने के लिए समन्स तक मिल गया है। प्लीज रजत, अपनी बेगुनाही के बारे में कुछ तो कह दो तुमने कुछ नहीं किया, बोल दो कुछ, अभी वक्त कम है। एक्सक्यूज मी, इससे आगे आप नहीं जा सकते, चलिए। रजत, मिसेज रजत वर्मा, आपकी रिक्वेस्ट पर अदालत ने आपको जरूरत से ज्यादा वक्त दिया है, इसलिए ताकि आप अपने पति के मुंह पर लगे हुए ताले को खुलवा सके, मगर अफसोस आप नाकामयाब रही। जानती हैं क्यों? इसलिए कि आपके पति ने इतना संगीन, इतना काला जुर्म किया है कि जिसे लाख सफाइयां देने के बाद भी सफेद नहीं किया जा सकता। आपके पति महज कातिल नहीं बल्कि ऐसे संगल खूनी हैं जिसने किसी दिमागी खलल या जुनून की वजह से शीतलपुरी का खून नहीं किया, बल्कि कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए ऐसी स्कीम भी बनाई जिसके जरिए बिना किसी के हाथ पड़े उस लड़की को अपने रास्ते से हटा दें जिससे ये उब चुके थे। वकील साहब, आप मेरे पति के चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं। चरित्रहीन का कोई चरित्र नहीं होता मिसेस वर्मा, और शीतलपुरी ही क्या, आपका पति तो तीन तीन लड़कियों की जिंदगी से खेल चुका है, और उनमें से एक आप भी हैं। योर ऑनर, कह दीजिए कि ये झूठ है, कह दीजिए कि इसने आपकी जिंदगी को बर्बाद नहीं किया, कह दीजिए कि ये भी झूठ है कि इसने तुलसी नाम की लड़की को कहीं का नहीं छोड़ा। योर ऑनर, मेरी जाती जिंदगी पर छींटाकशी करने का वकील साहब को कोई हक नहीं है। आई एम सॉरी, मामले की तह तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि आप प्रोसिक्यूशन के हर सवाल का जवाब दें। लेकिन मैं रजत जी की पत्नी हूं, उन्हें चाहती हूं, उनसे बहुत प्यार करती हूं, मैं उनके बारे में कुछ। आप इस वक्त उनकी पत्नी नहीं बल्कि सिर्फ एक गवाह हैं जिसने गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम खाई है।
और मुझे विश्वास है कि आप इस सच को स्वीकार करेंगी कि शीतल और आपके अलावा तुलसी भी आपके पति की जिंदगी में आई थी। कह दीजिए कि यह भी झूठ है। सच है मगर उतना ही जवाब दीजिए मिसेस वर्मा जितना पूछा जाए। और यह भी याद रखिए कि डॉक्टरों के मुताबिक आपके पति ने शीतलपुरी को एक ऐसी जिंदा लाश बना के छोड़ दिया है जो कभी होश में नहीं आ सकती। क्या सबूत है आपके पास इस बात का कि शीतलपुरी की यह हालत मेरे पति ने ही की है? इसका सबूत मेरे सवालों और आपके जवाबों में छुपा हुआ है। मिसेस वर्मा मुझे यकीन है इस बात का कि आप इस सच को नहीं जुटाएंगी कि आप एक करोड़पति बाप की बेटी हैं और उनकी मर्जी के खिलाफ अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाकर रजत वर्मा आपको बंबई भगा कर ले गए थे। ये झूठ है, सरासर गलत है। तो सच क्या है? सच सिर्फ ये है कि मेरे पिता हम दोनों की शादी नहीं होने देना चाहते थे और मैं रजत से बेइंतहा प्यार करती थी। गीता, गीता जल्दी आओ। ये ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? देखो, देखो, देखो। क्या हो गया? आखिर ऐसी क्या परेशानी है? जानती हो, तुम्हारी लाडली भतीजे ने क्या गुल खिलाए? जी? वो घर से भाग गई है, उस लुच्चे लफंगे पेटी मास्टर के साथ। ओफ, ना काट के रख दी इस लड़की ने। लेकिन भाई साहब, रजत ऐसा नहीं है जैसे आप समझते हैं। हाँ, तुम्हारी वजह से आज ये दिन देखने को मिला। बार बार चली आती थी आश्रम से छह देने के लिए। लो, पढ़ो इसे। प्यारे पापा, हर बेटी की तरह मैं भी पिता का आशीर्वाद लेकर पति के घर जाना चाहती थी, लेकिन अफसोस मेरा चुनाव आपकी पसंद न बन सका। फिर भी मुझे विश्वास है एक दिन आप ही ये कहेंगे कि रजत को पति के रूप में पाना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था। बहुत बहुत बधाई हो रजत जी। नमस्ते। वाह वाह, वेल डन भाई रजत साहब। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप हमारी इस इंपोर्टेड पॉप सिंगर को इतनी बेहतरीन क्लासिकल डांसर बना सकते हैं। नहीं शफी साहब, इन तारीफों का असली हकदार मैं नहीं, मुक्ता जी, हमारी धर्म पत्नी, हमारी इंस्पिरेशन, हमारे जीवन का सुर। सच मानिए, स्ट्रगलिंग पीरियड में अगर इनका सहारा ना होता तो हम कहीं भटक गए होते। भाई वाह, बड़े खुशकिस्मत हैं आप जो ऐसा हम सफर मिला। भाभी जान, अपने जैसा कोई दूसरा पीस आपको नजर आए तो इस खानदानी कुंवारे को फौरन खबर कर दीजिएगा। मजाक छोड़िए शफी साहब, लेकिन ये बात सच है कि आप ही वो प्रमोटर हैं जो इन्हें चांस देकर पहली बार इंटरनेशनल अरीना में उतार रहे हैं। भाई हमें तो पूरी उम्मीद है कि तुम्हारे शोज अमेरिका वालों के दिल और जेबें दोनों लूट लेंगे। पर सुनो, पैसों की वजह से कोई कमी न रहने पाए, दिल खोलकर खर्चा करो। दिल खोलकर। थैंक यू। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे पार्वती, तुम? अरे जी, क्या बात है, अब तक घर क्यों नहीं गई? जी चली गई थी, फिर से आई हूँ मालकिन। क्यों? वो रजत, तुम कपड़े बदलो, मैं भी आती हूँ। क्यों क्यों क्यों? जाओ ना, मैं बात करके आती हूँ। अब बोलो क्या बात है। ये क्या? अरे तो इसमें घबराने की क्या बात है? 7 साल बाद तुम्हारी बेटी पढ़ लिख कर घर आ रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हा? 7 साल पहले आपने तुलसी को इतना सा देखा था मालकिन, आप सोच भी नहीं सकती। इन 7 सालों में भगवान ने उसे कितना रूप दे दिया है। मैं परसाल ही उसे मिलकर आई हूँ। अरे तो इतनी खूबसूरत बेटी की माँ को तो और भी खुश होना चाहिए, तुम तो फिजूली में परेशान हो रही हो। लेकिन मालकिन, जिस बस्ती में गुंडो बदमाशों का राज हो, वहाँ जवान लड़कियों के माँ बाप खुश कैसे रह सकते हैं? ओह समझी। तुलसी कल आ रही है ना? हाँ। तो तब तक कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। अच्छा, तुम चिंता मत करो, लो आराम से सो जाओ। अच्छा मालकिन। बताना उसकी अम्मा को कि यहाँ की रस्म के मुताबिक लौंडिया का पहला भोग हमको ही लगेगा।
ये भी कोई कहने बताने की बात है उस्ताद, इस बस्ती का दस्तूर सब जानते हैं। वैसे वो साली जब तक जाने की समझेगी यहाँ का रंग ढंग, तब तक वो दूसरी थाली रखी है लगी लगाई। कौन? वही रघु की लौंडिया उस्ताद, हम तो जमा का चौकड़ी भी लगाए हैं उसके दरवाजे। अरे अब निकलेगी भी या अंदर ही रहेगी, मुझे देर हो रही है। तो तू जा ना अम्मा। अरे वाह, ऐसे कैसे जाऊं? तू बाहर तो आ, तुझे आंखों से देख लूं, तसल्ली कर लूं, तब जाऊं। क्यों, हो गई ना तसल्ली? अब तो खुश? अरे खुश तो हूँ, लेकिन तूने ये क्या नाटक किया है? किया नहीं, करना पड़ा है। तेरी और मालकिन की खुशी के लिए। वैसे हम किसी से नहीं डरते। अरे देखे तो सही कोई हमें, आंखें बाहर ना निकाल दे तो हमारा नाम भी तुलसी नहीं। हाँ हाँ मालूम है, बड़ी झांसी की रानी है ना तू। अरे लेकिन कौन? मैं संतोदाई। आओ संतोदाई। अरे कुछ सुना तूने? क्या? आज तो रघु के घर पे भी चौकड़ी लग गई, खूब रोना धोना मचा हुआ है। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ, रघु बिचारे का तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है जहाँ लड़की को भेज दे। सत्यानाश हो इन चौकड़ी लगाने वालों का। ये चौकड़ी क्या होती है? अरे ये कौन है? ये मेरी लड़की है, कल ही आई है। लड़की? चलो अच्छा, देखने सुनने में मामूली है, नहीं तो तेरी भी रातों के नींद उड़ जाती है। अच्छा चलती है, मैं तो यूं ही चली आई कि तुझे बता दूं मोहल्ले में आखिर हो क्या रहा है। अच्छा। अम्मा ये औरत कह रही थी नुक्कड़ वाले रघु काका के घर चौकड़ी लग गई है, ये चौकड़ी होती क्या है? एक घर और बर्बाद हुआ बस्ती का। क्या मतलब? अरे क्या बताऊं तुझे, बस्ती के गुंडों को जैसे ही पता चलता है कि फलाने घर की लड़की जवान हो गई है तो बस उस दरवाजे पे आके निशान लगा जाते हैं कमबख्त, और जिस दरवाजे पर चौकड़ी का मनहूस निशान लग जाता है उसका मतलब या तो घर वाले अपनी लड़की गुंडों को सौंप है, नहीं तो वो लोग खुद आकर उसे उठा ले जाते हैं। यहाँ पुलिस का कोई कायदा कानून नहीं चलता? अरे कैसा कानून, एक बार की थी रफट एक बस्ती वाले ने, लौट के आया तो देखा बेचारी की खोली भस्म कर दी थी इन बदमाशों ने। अरे इन गुंडों से पार पाना आसान नहीं। वाह जी वाह, अच्छी दादागिरी है। अरे हम तो वैसे चुप, बड़ी आई, हम तो देख फिर से कह देती हूँ, यहाँ रहना है तो मुंह बंद और अपने काम से काम। हाँ मैं जा रही हूँ। और सुन, हाँ? चुपचाप कुंडी चढ़ा के बैठी रही हो घर में, समझी? हाँ। समझी। लड़की को लेकर ही जाएंगे, छोड़ना नहीं है। अबे और रुक गए बच्चे, दरवाजा खोल। अबे लाता है बाहर या हमारे अंदर? आप सबके आगे हाथ जोड़ता हूँ साहब जी, ले देखा मेरी एक ही बेटी है, हम पर बात हो जाएंगे, हम पर दया करो साहब जी, हम पर दया कीजिए साहब। दया करूं? सारी को नहीं, जान प्यारी है तो छोड़ दे इसे, वरना एक एक को पानी पिला कर छोड़ेंगे। हाँ अरे ओ चंबल की रानी, पहले अपना जलवा तो करा। अरे जलवा ही करना है तो आहिस्ता आहिस्ता कर जालिम। हाय तो थाम ले जिगर और हो जा तैयार। तो ये देख मेरी पायल और झुमका, देखा? और ये देख मेरा झुमका, और ये देख मेरी कमर। हाय तेरा जलवा। हाय 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 हाय, थाम
के रह गया ना जिगर। अरे अब होश में आ जा मुर्दार और देख मेरी पिछाड़ी। अब और मत तरसा मेरी जान, अब जलवा तो दिखा। अच्छा तो ये ले, कर ले भरपूर जलवा। हाय ना 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 ना, ठंडी सांसें मत छोड़ आजा। तो फिर आजा। अच्छा ले, मैं आ गई, अब थाम ले ये मेरा सोने जैसा हाथ। जी 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 जी, ये तो साला फोकल निकला। चुनु मुनु आओ। और करो जलवा, हराम खोरो तेरी तक। ये ले। तो हरामी के पिल्लो, कुत्तों की दुमो, बोलो तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए। अच्छा, आजा। ये देखा कितना पानी है मेरे पास पिलाने को, और पिएगा नहीं। अरे चले क्या कम। और कोई है? कान खोलकर सुन ले, तू जिसका कुत्ता है ना, कह देना उससे कि तुम लोगों में से फिर कोई इधर नजर आया तो जिंदा नहीं बचेगा, समझा? अब जा, भाग भाग यहाँ से। अरे तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा, उठाओ एक एक को और फेंक दो बस्ती से बाहर। चलो अरे वो कहाँ गई? अरे हाँ, जाने कौन थी, कहाँ से आई, कहाँ गायब हो गई। अरे माँ तू आ गई, बैठ बैठ, तू थक गई होगी। अरे अरे आज तुझे कुछ पता है आज बाहर क्या हुआ? हमें क्या पता, हम तो कुंडी बंद किए बैठे थे। अरे आज तो गजब हो गया, वो रघु के घर चौकड़े लगा गए थे ना गुंडे। हाँ हाँ, तो ले गए उनकी लड़की को? अरे नहीं रे, गुंडे तो आए थे मगर इन वक्त पर जाने कहाँ से एक लड़की बिजली से आई और देखते ही देखते सारे गुंडों की छुट्टी कर गई। अया अकेली लड़की थी? अरे मैं तो कहती हूँ उस लड़की जैसी बहादुर अगर दो चार हो जाए ना हमारी बस्ती में, फिर किसी की हिम्मत नहीं जो ऐसी मनमानी यहाँ करे। अरे जामा, दूसरों की लड़कियों को बहादुरी सिखाती है और अपने से कहती है काली पीली होकर घर में बैठी रहे। क्या करूँ बेटी, मैं तेरी माँ हूँ ना, और फिर मेरा क्या, मालकिन को भी तेरी बड़ी फिक्र रहती है। अरे हाँ देख तो, मालकिन ने तेरे लिए भेजी है। हाँ देख कैसी है। साड़ी ही क्या, हमारी मालकिन भी बहुत अच्छी है। लेकिन अम्मा इस तरह से आखिर कब तक हम उनके एहसान लेते रहेंगे? अब हम भी पढ़ लिख गए हैं, हमारा मन भी करता है कि नौकरी करें कमाएं और मालकिन के एहसानों को धीरे धीरे उतार दें। नहीं बेटी,
कुछ एहसान ऐसे भी होते हैं जो कभी नहीं उतारे जा सकते। तू नहीं समझेगी। अम्मा, तेरी ये बात तो हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन जब भी हमने उन एहसानों के बारे में जानना चाहा, तूने ये कह के टाल दिया कि अभी तू बहुत छोटी है। ए अम्मा, देखना अब तो हम कितने बड़े हो गए। अब तो बता देना वो सारी बातें मेरी अच्छी अम्मा। अरे तू रो रही है। जाने दे अम्मा, हमें कुछ नहीं पूछना, हमने फिजूली तेरा दिल दुखा दिया, माफ कर देगी ना अम्मा? नहीं मेरी बच्ची, आज या कल ये सारी बातें तुझे बतानी ही थी। आज तुझे उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो बचपन से तेरे दिल में है। बेटी, तेरा बाप पक्का जुआरी और शराबी था,